Hi friends, welcome to Tally Digital Class. दोस्तों फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ. दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि बीकॉम सेम फाई का चैप्टर है कॉस्ट अकाउंट. बीकॉम सेम फाई का सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग और चैप्टर है 1. तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं. सम नंबर है 4. सम नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा है? 4 है. आज इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. दोस्तों शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे. इसके पहले मैंने स्टेट बीकॉम सेम फाइव स्टेट के वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं. अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देख लीजिए. आज का ये बीकॉम सेम फाइव कॉस्ट अकाउंटिंग का मेरा दूसरा लेक्चर है और कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ है. अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिए. तो चलिए आज हम सम नंबर 4 के बारे में आज यहाँ पर देखने वाले हैं. तो यहाँ पर मनीषा ऑटोमोबाइल की एक कंपनी है, मोटर गाड़ी की एक कंपनी है. वो जब मोटर गाड़ी जब भी बनती है तो 3 प्रक्रियाओं में से पसार होती है. उसमें सबसे पहले है जो फर्स्ट प्रक्रिया है उसमें से जब पसार होती है तो 20% उसका बगाड़ होता है. सामान्य बगाड़ उसका 20% होता है. इसके बाद और जो हमारा 20% का जो नुकसान होता है उसको हम कितने में बेचते हैं? 50 रुपये में हम उसे बेच देते हैं. इसके बाद प्रक्रिया में एकम डिट 100 ने कीमत है. कुल टोटल हमारे शुरुआत में हमारे 2000 एकम थे और उसकी कीमत थी 100 रुपये. उसमें से 20% हमारा नुकसान हुआ और जो नुकसान हुआ उसको हमने कितने में बेच दिया? 50 रुपये में हमने उसको बेच दिया. इसके बाद उधार का खर्च, हमारा एक्स्ट्रा जो खर्च है वो कितना हुआ? 60,000 का हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च हुआ. इसके बाद फर्स्ट जो उत्पादन हुआ वो कितने का हुआ? 1500 का हुआ. सेकंड उत्पादन 1600 का हुआ और तीसरा उत्पादन हमारा 1800 का हुआ. और तो यहाँ पर क्या क्या है कि उत्पादन नहीं पड़तर नहीं गणतरी यहाँ पर हमें करने की है. तो चलिए हम सबसे पहले दो सबसे नॉर्मली आपको दो कोष्टक बनाने होते हैं. फर्स्ट प्रक्रिया अनुखातु और सेकंड अगर असामान्य हमारा बगाड़ होता है तो हमें असामान्य का लेज़र भी उसे बनाना पड़ता है. अगर असामान्य बगाड़ नहीं है हमारा तो इसको भी हमें नहीं बनाना, ठीक है. तो सबसे पहले आपको विगत एकम रकम ये आपको बना लेना है. इसके बाद नीचे भी आपको असामान्य बगाड़ अगर आपका हो तो उसको भी सेम एज इट इज़ ही बना लेना है विगत एकम रकम की तरह. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शुरुआत एकम में दाखिल करवामा आवेला एकम कितने थे? 2000 एकम थे और उसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपये. तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम देखते हैं कि दाखिल करवामा आवेला एकम कितने थे? 2000 एकम थे और 2000 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 200,000 आंसर आ जाएगा. ये 200,000 हमारे हैं, 200,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो ये हमारा वधारा का जो खर्च है वो कितना हुआ है? 60,000 का हमारा एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है. तो हमने यहाँ पर लिख दिया वधारा ना खर्च 60,000, ठीक है. इसके बाद हमारे हमें यहाँ पर बताया है कि सामान्य बगाड़, जो सामान्य बगाड़ है वो कितना है? 20% है. तो ये देख लीजिए, ये सामान्य बगाड़ है. सामान्य बगाड़ कितना है हमारा? 20% है. किसके 20%? तो हमने कितने एकम दाखिल किए थे? 2000, उसके 20% हमारा नुकसान हुआ है. तो देखिए सामान्य बगाड़ 2000 एकम थे, उसमें से 20% हमने यहाँ पर माइनस कर दिए. 20% हमने निकाले 2000 के, तो हमारे पास कितने बचे? 400 एकम बचे और उसको हमने कितने में बेचा? 50 रुपये में बेचा. तो हमारा 400 इंटू 50 करोगे आप तो ये हमारा 20,000 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है. इसके बाद यहाँ पर हमें बोला गया है कि सेकंड जो
बीजी ये फर्स्ट प्रक्रिया का था, जो अभी हमने ये जो उत्पादन था वो फर्स्ट प्रक्रिया का था, इसके बाद जो उत्पादन हुआ वो बीजी प्रक्रिया खाते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे बीजी प्रक्रिया खाते कितना उत्पादन हुआ था, 150 हमारा यहाँ पर, 1500 उत्पादन हमारा यहाँ पर हुआ था। और इसकी कीमत हमें यहाँ पर, इसकी कीमत हमें यहाँ पर नहीं दी है, तो हमें ये जो 1500 एकम है उसको, उसकी गणना हमें कैसे करनी है, तो देख लीजिए। सबसे पहले हमारा उत्पादन कितना हुआ था, कुल टोटल खर्च, उसमें से कुल बगाड़ जितना हुआ हो वो, और भाई गया सामान्य उत्पादन ना एकम। तो मैं यहाँ से प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि ये जो 260,000 है आपका, ये 260,000 है, उसमें से आपको ये 20,000 का जो सामान्य बगाड़ की जो उपज है, मतलब ये अपनी इनकम ही है, सामान्य बगाड़ था उसको अपना 50 रुपये में बेच दिया, तो ये हमारी इतनी इनकम है। तो 260,000 ये हमारा खर्चा है, इसमें से अगर हम ये 20,000 माइनस कर देते हैं तो हमारा आएगा 240,000, और उसमें से, और उसमें क्या कहा गया है, सामान्य उच्छेद में अपॉन क्या करना है हमें, 1600 एकम, अरे 2000 एकम, सामान्य उत्पादन ना एकम। तो उत्पादन हमारा कितना हुआ था, सामान्य उत्पादन हमारा 2000 हुआ था, उसमें से कितने हमारे से बिगड़ कितने गए, 400 एकम बिगड़ गए। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कितने बचे, 600 एकम बचे। तो हम यहाँ पर 260,000 माइनस 20,000 अपॉन 1600 एकम, तो हमारे पास कितनी रकम आई, 150, तो ये हमारी कीमत हुई। तो हम यहाँ से 1500 एकम इंटू 150, तो ये हमारे पास आ जाएगा 225,000 टोटल हमारे पास ये आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से इसको क्लोज करना है, 260,000 यहाँ पर लिखना है, 260,000 हमें ये दूसरा यहाँ पर लिखना है, इसमें से 225 और 20,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे इसको, ये 200,000 में से 225,000 और ये 20,000 दोनों को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है ये हमारा, ये 15,000 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 2000 हमारे एकम थे, उसमें से 1500 एकम और 400 एकम, ये 2000 में से 1500 जाएंगे तो हमारे पास 500 बचेंगे, और 500 में से 400 एकम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 100 एकम बचेंगे। तो वो 100 एकम को हम यहाँ पर लिख लेंगे, और इसका नाम क्या दे देंगे, सामान्य असामान्य पगार, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो ये जो 150 एकम थे, 15,000 भाग गया 150 आप करोगे तो आपका 100 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये सामान्य बगाड़ हमारा सम में है, इसीलिए हमें असामान्य खाता लेज़र इसका बनाना होगा, अगर ये नहीं दिया होता तो हम इसे नहीं बनाते। तो चलिए देखते हैं असामान्य बगाड़ हमारा कितना है, 100 एकम है और 15,000 रुपये हमारा सामान्य बगाड़ हुआ। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लाएंगे और नाम दे देंगे प्रक्रिया खाते थी, कितने जितने हो उतने हम यहाँ पर इसे लाकर रख देंगे, ठीक है। तो ये 15,000 हमने यहाँ पर लिखे, इसी 15,000 को हम यहाँ पर लाते हैं, और ये हमारा जो नुकसान हुआ था, ठीक है, ये 100 एकम भी इसी तरह ही, ये 100 एकम हमारा जो यहाँ से हम लाए थे, यही 100 एकम को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जो हमारा बगाड़ हुआ था उस पर हमने कितने में बेचा था बगाड़, ये देख लीजिए, ये बगाड़ जो भी हुआ था उसको हमने 50 रुपये में हमने बेचा था। तो ये जो है, ये सौ एकम हम यहाँ पर लाते हैं, और ये ही 100 एकम को हम यहाँ पर लाते हैं। तो ये 100 एकम जो है उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 50 से, पर मल्टीप्लाई 50 से हम इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5,000 आएगा, ठीक है। अब ये 15,000, यही 15,000 को हम यहाँ पर लिखते हैं, और ये 15,000 में से हम ये 5,000 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10,000 आएगा। तो ये 10,000 को हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, ये 15 में से हम अगर 5 माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर 10,000 आ जाता है। तो ये हमारा 10,000 जो आया वो क्या है, नुकसान खाते इसको हम लिख देंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया एक तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह हम प्रक्रिया दो देखते हैं, कि प्रक्रिया दो में
એકમમાં દાખલ કરવામાં આવેલા એકમ તો હમ 2000 લેંગે ઓર ઇસકી કિંમત ભી હમે 100 રૂપિયે હી લેંગે પણ યે દો દૂસરી પ્રક્રિયા કે ઉત્પાદન કિતના હુઆ હે 1600 એકમ ઠીક હે તો ઇસી તરહ પ્રક્રિયા દો લિખતે હે દાખલ કરવામાં આવેલા એકમો 2000 ઇન્ટુ 2000 કે હમ ગુણાકાર કરેંગે 100 સે તો 200000 હો જાયેગા ઓર વધારાના ખર્ચા જીતના થા ઉતના હી હમ લિખેંગે યહાં પર देख लीजिए ये वधारा खर्च हमारा 60000 हुआ था वही 60000 हम यहाँ पर लिख देंगे ठीक है। इसी तरह अब ये कितना है 1600 एकम सेकंड कितना दिया हुआ है सेकंड उत्पादन हमारा जो हुआ है वो 1600 का हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 1600 एकम यहाँ पर लिख देंगे। और इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो 200000 है ये दो लाख प्लस 200000 दोनों का प्लस करेंगे तो 260000 हमारा आएगा। उसमें से ये सामान्य बगाड़ हमारा कितना हुआ था सामान्य बगाड़ हमारा 400 रुपये हुआ था ये 20% हमें यहाँ पर बोला गया है उत्पादन ना एकम हो के कितने परसेंट 20% तो हम यहाँ पर ये 2000 के हम 20% निकालेंगे तो हमारा कितना बगाड़ हुआ 400 और 400 को हम 20 से 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 20000 आ जाएगा। तो देखिए ये 260000 जो हमारा आया उसमें से 20000 को हम माइनस करेंगे और भाग्य हम क्या लेंगे 2000 हमारा उत्पादन हुआ था उसमें से 400 एकम हमारा बिगड़ गए तो बचे कितने 1600 एकम। तो 260000 माइनस 20000 अपॉन 1600 एकम तो हमारा जो आंसर आएगा वो 150 आएगा 150 रुपये हमारा आंसर आएगा। तो 1600 इंटू 150 करोगे तो 240000 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह दोनों को हम यहाँ से प्लस करेंगे तो ये भी हमारा 260000 आंसर आ चुका। दोस्तों अगर इसमें सिर्फ सामान्य बगाड़ आया है अगर असामान्य बगाड़ अगर होता तो ऊपर हमने जैसा बनाया असामान्य नुकसान खाता का जो लेज़र हमने बनाया उसी तरह हमें यहाँ पर नीचे भी असामान्य बगाड़ का खाता बनाना होता लेकिन हमारा यहाँ पर असामान्य बगाड़ हमारा कुछ हुआ नहीं है तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम तीसरे उत्पादन की तरफ बढ़ते हैं कि 2000 एकम हमारा शुरुआत का था और उसके नुकसान कितना था वधारा खर्च कितना था 60000 था। इसी तरह सामान्य बगाड़ 20% था और उसके रुपए कितने थे 50 रुपये थे और तीसरा जो उत्पादन हुआ वो हमारा कितने का हुआ 1800 का हुआ। तो देखिए दाखिल करेला एकम 2000 और उसको 100 से मल्टीप्लाई करा हमने तो 200000 आ जाएगा। इसी तरह 2000 के हम 20% निकालेंगे तो हमारा 400 रुपये आ जाएगा और 400 रुपये जो हमारा नुकसान है उसको हमने 50 रुपये में बेचा तो 20000 आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा जो यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों देखिए ये समझने वाली आपको ध्यान देने की बात है ये 1800 उत्पादन हमारा हुआ है ठीक है 1800 हमारा यहाँ पर उत्पादन हुआ तो ये देखिए 1800 उत्पादन यहाँ पर लिख देंगे हम बीजी प्रक्रिया खाते ठीक है उत्पादन हम यहाँ पर लिखेंगे तो टोटल आप इसका करोगे 1800 प्लस 400 आप करोगे तो 2200 एकम यहाँ पर हो जाएगा लेकिन हमारा उत्पादन कितना था 2000 ही हुआ था तो एक्स्ट्रा हमारा 200 उत्पादन एक्स्ट्रा का हुआ है 200 एकम का उत्पादन हमारा एक्स्ट्रा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे ये देखिए टोटल हमारा कितना है एक मिनट जो 200000 था ये 200000 जो हमारा है वो 200000 में से हमने ये 20000 को यहाँ से माइनस कर दिया ठीक है। इसी तरह 2000 जो एकम है उसको भी हमने यहाँ से माइनस कर दिया तो कितना बचे हमारे पास 400 बचे तो 1800 इंटू 150 तो हमारे पास 270000 आ जाएंगे। तो 270000 प्लस 20000 तो 290000 में से यही 290000 को हम यहाँ पर लाएंगे और 290000 में से 200000 माइनस कर देंगे ठीक है 200000
हम यहाँ से इस 2 लाख 90,000 में से हम 2 लाख यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, और हमारा जो वधारा का जो खर्च था, एक्स्ट्रा हमारा जो खर्च था वो कितना था, 60,000 का था। तो मैं यहाँ पर दोस्तों 60,000 लिखना यहाँ पर भूल चुका हूँ। तो एक्स्ट्रा हमारा खर्च जो था उसमें से 2 लाख नेव में से 2 लाख और 60,000 दोनों का हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आंसर जो होगा वो 30,000 आएगा। इसी तरह ये 1800 प्लस 400 तो हमारा यहाँ पर 2200 आएगा, और यही 2200 में से हम 2000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 200 बचेगा। ठीक है, तो इसी तरह आगे हम क्या बना देते, असामान्य नुकसान। यहाँ पर हमारा असामान्य बगाड़ आता था तो हम असामान्य का खाता हम यहाँ पर नीचे बनाते थे, लेकिन इस कंडीशन में इसमें क्या हुआ है कि असामान्य उपज हुई हमारी। ठीक है, हमने तो 2000 उत्पादन 2000 एकम का ही उत्पादन करा था, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा 200 का उत्पादन हो चुका है, 200 एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ है, तो ये हमारी असामान्य उपज है। तो इसके लिए हम असामान्य उपज का खाता बनाएंगे, और इसी तरह असामान्य उपज का जो 200 और 30,000 था वो हम यहाँ पर लाएंगे, सेम एज इट इज़ 200 और 30,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, और यही ये यहाँ पर नीचे लिख कर हम यहाँ पर लिख देंगे। और कितने एकम थे, 200 एकम हमारे पास थे, तो 200 एकम हम यहाँ पर लिख देंगे, और उसको बेचते कितने में, हम 250 रुपये में। एक्स्ट्रा कितना यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर बताया है कि 50 रुपये हमें यहाँ पर बेचने के लिए बताया गया है। तो ये 200 × 50 आप करोगे तो आपका 10,000 आंसर आएगा, और ये 30,000 में से जब 10,000 आप माइनस कर दोगे तो आपका लास्ट जो नफ़ा होगा वो कितना होगा, 20,000 का आपका नफ़ा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो, काफ़ी बढ़िया और अच्छा था आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।